उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अभी हाल ही में प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्रचंड बहुमत देकर के जिस उद्देश्य से अपना आशीर्वाद दिया था, जीत का वह सिलसिला जन विश्वास का प्रतीक तो था ही, वह निरंतर नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी के 36 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। इन 36 में से 33 सीट भारतीय जनता पार्टी ने और 3 सीटें निर्दलियों ने जीते। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 0 पर रही। यही नहीं, विधान परिषद गठन के पश्चात 87 वर्ष के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का उच्च सदन कांग्रेस विहीन भी हो गया है। कांग्रेस मुक्त उच्च सदन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी चुनाव के साथ प्रदेश के अंदर 2 महत्वपूर्ण लोकसभा के उपचुनाव भी संपन्न हुए हैं, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर में। दोनों सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इस उपचुनाव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति और सरकार की सक्रियता और बेहतर समन्वय का एक परिणाम है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों को प्राप्त हुआ और दोनों सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए।